फ्यूजन, सुहान से हाय कहिए। हाय मिसेस फ्यूजन। हाय। ये पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो। बस काम में बिजी हूँ। मैं आपसे काफी टाइम से मिलने नहीं आई, पर वक्त निकाल कर जरूर आऊंगी। ठीक है। देखो आज हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे हैं। वाओ। वैसे हमें ब्राइट कलर्स और लाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओह, तो मैं क्रिसमस ट्री के लिए कुछ ले आऊंगी। घर जरूर आना। अच्छा मैं अभी रखती हूँ, जल्द ही मिलने आऊंगी। अच्छा ठीक है, बाय। रुको रुको, फोन मत काटना। सुहान, तुमने मिस्टर सीजर से क्रिसमस के बारे में बात तो की है ना? नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? बनू पहले ही उस शाम का प्रोग्राम बना चुकी है। उसका बेटा अपने पापा के साथ रहने वाला है और उसने कहा कि वो खुद यहाँ पर आकर रहने वाली है। हाँ तो ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुहान, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम कोई प्रोग्राम बना लो तो फिर वो यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं वापस आऊंगी या यहीं पर रहूंगी, मुझे नहीं पता। मतलब तुम सिचुएशन से ऐसे ही भागती रहोगी? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, तासिन कोलोदाग तुम्हारे पास चल कर आएंगे क्या? लगता है तुम मेरे पापा को अच्छी तरह जानती हो। आता हूँ अभी। गुड मॉर्निंग। हाय, कैसी हो तुम? बानो, पहले मैं ऑफिस जाने की सोच रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि बाहर ही मिलते हैं। नहीं नहीं, अच्छा किया आपने। आज तो मैं दिन भर बस एक के बाद एक मीटिंग ही अटेंड कर रही हूँ। मेरे लिए एक चीज़ बर्गर और एक ग्लास पानी। थैंक यू सो मच। मैं उस आर्ट गैलरी में भी गई थी। असल में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक बहुत पुराना मिरर दिया था, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स मिसिंग थे, तो हम कुछ कैटलॉग्स देख रहे थे। एंड यू नो, उन पिक्चर्स में मैंने वो पेंटिंग देखी जो कोलोदाग्स के घर में लगी है। ओह, अच्छा। और पता चला कि जिस पेंटिंग के बारे में वो लंबी लंबी डिंगे मार रहा था वो एक्चुअली फेक है। सच में? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा कि शायद ओरिजिनल पेंटिंग्स को एक्सपोर्ट कर दिया गया था। कैन यू बिलीव इट? तो आपने फिर क्रॉस चेक किया? नहीं, काश मुझे पता होता कि ओरिजिनल पेंटिंग्स किसकी हैं, और उससे सामना होते ही मैं चिल्ला कर कहती झूठे कहीं के मक्कार। कितना मजा आता ना। हाँ सही कहा। आ गई बेटी। कैसे हैं पापा? चाय पियोगी? नहीं थैंक यू। आओ बैठो। तुम्हें काफी धक्का लगा होगा। तुम्हारे सारे प्लान्स चकनाचूर हो गए। हाँ बिल्कुल, अगर आपने ये हमें दुख पहुंचाने के लिए किया है तो आप कामयाब रहे। तो मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो क्या आप इतनी दूर मुझसे बस यही कहने आए थे? नहीं,
मैं तो यहाँ तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। बैठ जाओ। इस मोमेंट तक मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, पर अब पता है। मैं उस घर में फिर कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं बचूंगा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या बात है पापा, आपकी तबीयत ठीक है ना? बताइए। कुछ खास नहीं, जाना तो हम सबको है एक दिन। मुझे बताइए आपको क्या हुआ है? समझ नहीं पा रहा, बहुत पछतावा है मुझे, खुद पर बहुत गुस्सा है, खुद को कभी माफ नहीं कर सकता मैं। पापा, बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, हर तरफ दुश्मन ताक लगाए बैठे हैं, उनको बस मेरी एक गलती का इंतजार है, और अफसोस मेरे बच्चों ने भी ऐसे समय मेरा साथ छोड़ दिया। पापा, हमें कंपनी के लिए जो सही लगा हमने वही किया। कुछ समझ में नहीं आता, मैंने सबसे बहुत झूठ बोला है, बहुत ज्यादा झूठ बोला है, पर अच्छे काम भी किए तभी तुम और कुरहान मुझे मिले, और जल्द ही मेरी गोद में पोता भी होगा। मैं अपनी फैमिली को टूटता नहीं देख सकता। तुम लोग अदालत को जैसा समझते हो वैसी वो बिल्कुल नहीं है। इतने दिनों अदालत ने मेरा हर तरह से बहुत ख्याल रखा। जानती हो सालों से लोग उसे क्या कहते हैं? कोलू दाग की मिस्ट्रेस है। लोग कहते हैं उसकी वजह से नूरहान की डेथ हुई, पर मेरे सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। इतने सालों से अदालत ये सब सह रही है, बावजूद इसके उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती है, इस बात को समझो। थोड़ा इमोशनल हो गया, उम्र हो चली है ना। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं बेटा। ये देखो, ये है मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इसे अदालत ने बनवाया था। कसम खाकर कहता हूं कि इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये पढ़कर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। तुम्हारी मां भी ये जानती थी। अदालत ही एक ऐसी शख्स है जिससे मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तुम्हारी मां को भी लगता था कि जब मैं अदालत के साथ होता था तो बहुत अच्छा होता था। मैं और अदालत एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। हमें बचपन से प्यार नहीं मिला, इसलिए प्यार की कीमत अच्छी तरह जानते हैं। ये बात मेरे दिमाग में थी कि एक न एक दिन उसे शादी जरूर करूंगा, और जब उसे किसी ने शिरीन की शादी में इनवाइट नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैंने सोच लिया, अगर मुझसे इतना प्यार करने वाले शख्स को मैं सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं दिला सकता तो इतना पावरफुल होने का क्या मतलब? I wish ये सब आप हमें पहले बता देते। हाँ, मैं बताने वाला था, तुम लोगों को बताने वाला था, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मुझे ये फैसला बिल्कुल अचानक लेना पड़ा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मेरे ही बच्चों ने दूसरों के सामने मेरी इज्जत उछाल दी। मुझे लगा कि जब इन बच्चों से तुम इतना प्यार करते हो तहसीन, उन्होंने तुम्हारी परवाह नहीं की। तभी मैंने सोच लिया कि अब अदालत से शादी करके रहूंगा। पापा प्लीज मुझे बताइए आपको क्या हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही कह दिया ताकि तुम मेरी बात सुनो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मैं तुम्हें छोड़कर भला कहां जा सकता हूं, चलो इधर आओ। आपने तो मुझे डरा दिया, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी।
अगर मेरी बेटी मुझसे नाराज हो जाए तो जिंदा रहने का क्या मतलब है? अभी तो मुझे नाती पोतों की शक्ल देखनी है, मैं कहाँ जा सकता हूँ? चलो अब जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा। जिद मत करो, चलो उठो, जल्दी करो। बस एक कंडीशन पर। सली, गाड़ी लेकर आओ, हम 5 मिनट में बाहर आ रहे हैं। कैसी कंडीशन? आपको गुंडागर्दी छोड़नी होगी। गुंडागर्दी? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको गांव वालों की जमीन पर कब्जा करते हुए। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये थी? मैं समझा प्रॉब्लम अदालत है। प्लीज पापा, अगर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे तो मैं अदालत कौरलुदाक को एक्सेप्ट कर लूंगी। और वैसे भी आप मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। वादा रहा। मेरी कसम खाकर कहिए। जल्दी करो बेटा, सली गाड़ी लेकर आ गया होगा, जाकर सामान पैक करो, जल्दी उठो। पापा पहले मेरी कसम खाकर कहिए। तुम्हारी कसम सुहान। लव यू पापा। सुहान, क्या तुम ये सच बर्दाश्त कर पाओगी? क्या ये सच जानने के बाद तुम मुझे इसी तरह प्यार कर सकोगी? सोहान, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन तुम्हारे पापा एक कातिल है। सारे पैकेजेस रेडी हैं? गुड, तो फिर मैं उन्हें लेने आऊंगी। नहीं नहीं, मैं अपने घर ले जाऊंगी। हेलो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिसेस मेहरबान तुम्हारे पापा को जानती हो? नहीं तो, लेकिन ये सवाल क्यों किया? वो उनकी पेंटिंग्स के बारे में पूछ रही थी। आई विश अगर उनके हाथ कोई क्लू लग जाता तो शायद अच्छा होता, मगर तासीन ने कोई क्लू छोड़ा ही नहीं, पेंटिंग्स पापा के नाम से बेची। मिसेस मेहरबान ने अभी तक कुछ भी भुलाया नहीं है और ये बात हमारे काम आ सकती है। और देखो, उन्हें सुहान की शादी अपने बेटे से कराने में इंटरेस्ट भी नहीं है, वरना वो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाती। क्या मतलब कनेक्शन क्या है इन दोनों में? सीजर, तुम जानते हो ना, तुमने उनके बेटे की गर्लफ्रेंड छीन ली है। बाद में मिलता हूं मानू। फिर मिलते हैं सीजर। चलो, बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए जोर जोर से सांस लो, ठीक है? जैसा मैं करूं वैसा ही करना। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूं। पर कॉन्ट्रैक्शन के बाद तो लंबी और गहरी सांस ली जाती है ना, मैंने तो यही देखा है आज तक। हाँ, आप सही है मिसेस अदालत, कंडीशन इंप्रूव होने लगे तो लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल फिर एक्सहेल, देखना मैं कैसे कर रही हूँ। ऐसे में बच्चे पर स्ट्रेस पड़ता है और इसलिए उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, सही कहा। लंबी सांस लो और फिर छोड़ दो। जब मुझे पेन शुरू होगा तो पता नहीं मुझे ये सांस लेना वगैरह याद रहेगा कि नहीं। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना चाहे। हाँ, ये तो है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर भी फोकस करो,
अगली बार कॉन्ट्रैक्शंस के वक्त बहुत रिलीफ मिलेगा चाहिए। हाँ हाँ, ये भी जरूरी है, हम ये भी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये जरूरी है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा मैंने, पता है। हाथ नीचे रख दो, हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है। तुमने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है? मैंने अपने पीडियाट्रिक्स का कोर्स हेल्थ कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, मेरी फार्माकोलॉजी टीचर भी उसी यूनिवर्सिटी से, कुल सवास्त्र। तुम किस साल ग्रेजुएट हुई थी? 2008 में। रिहान कौन आया है? सुहान और मिस्टर तहसीन आए हैं, मिसेस चाहिदे। ओह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, चलिए जाकर उन्हें रिसीव करते हैं। चलो चलते हैं। मेरी प्यारी बेटी घर लौट आई। वेलकम। थैंक यू। कैसी? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी कभी मेरी बात नहीं टालती। सुहान, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये कैसा है? ये देखो, ये पूरी दुकान उठा लाई तुम्हारे लिए। इतने गिफ्ट किसके लिए? ये गिफ्ट जाफिर के लिए है और आप सबके लिए। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इन्हें लिविंग रूम में ले चलते हैं, चलो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम करने हैं। ओके, ठीक है पापा। कैसी हो दालित? वेलकम हनी। वेलकम। आपका इस घर में और हमारी जिंदगी में स्वागत है। थैंक यू सो मच सुहान। देखिए पापा, सब ठीक हो रहा है। इसी बहाने आज रात फिर हम सब सेलिब्रेट करते हैं। और आज रात का डिनर मैं तैयार करूंगी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है, तुम चाहती हो तो डिनर बनाओ, क्यों रेहान? जैसा आप कहें मिस्टर तहसीन। ठीक है, आपको जो भी सामान मंगवाना है इनसे कह दीजिए, ये अरेंज कर देंगी। तो फिर मैं भी लिस्ट बनाती हूँ। मैं अपने रूम में जा रही हूँ मिसेस चाहिदे। हाँ ठीक है। ये वाला गिफ्ट मुझे दीजिए। ये मेरे लिए नहीं है क्या? नहीं, ये मिसेस फ्यूजन के लिए है। छोड़ो भी, उस औरत को इतना मुंह मत लगाओ वरना फिर यहाँ चली आएगी। पापा, आपने प्रॉमिस किया था। ये प्रॉमिस तो नहीं किया था कि कुछ नहीं बोलूंगा। ये भी उस लिस्ट में एडेड है। कौन सी लिस्ट पापा, मुझे भी बताइए। ये हमारे बीच की बात है। तो कैसे हो केमाल? ठीक हूँ मिस्टर सीजा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। केमाल, केमाल, देखो प्लीज कुछ मत बोलो। ये सही नहीं है, हमें इनको बताना चाहिए, ये जरूरी है। क्या हुआ? केमाल ने कुछ देखा था पर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। केमाल, लेना देना नहीं है? इस मामले में मिस सुहान और मिस्टर कोरहान दोनों इन्वॉल्व है और इसीलिए ये बात करना जरूरी है। केमाल, मैंने बोला ना, सब कुछ बताओ मुझे, क्या हुआ? मिसेस चाहिदे और मिस्टर बुलंद के बीच कुछ चल रहा है। क्या? ये बस हमें ऐसा लगता है। लग नहीं रहा है, ये सच है, मैंने खुद देखा है। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर आपको यकीन हो जाएगा। देखिए। नहीं, मैं कोरहान से ये नहीं कह सकती, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मेरी मदद करो। अब आपको क्या लगता है इस बारे में? मैं क्या कहूं मिस्टर सीजर, सब कुछ आपकी नजरों के सामने है। मैंने और सिरीन ने इनको कई बार रंगे हाथों पकड़ा है। मिस्टर सीजर, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं, मैं क्या बताऊं? उनके घर में कई सालों तक बच्चा नहीं हुआ था और फिर मिसेस चाहिदे अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। मेरा मतलब शायद मिस्टर कोरहान, पता नहीं। अब क्या बोलूं, इस तरह से किसी को ब्लेम करना सही तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरा मतलब, अगर ये बात सच निकली तो बेचारी सुहान बुरी तरह से टूट जाएगी। और अगर मिस्टर तहसीन को ये पता चला तो दोनों की जान ले लेंगे।
अपना फोन अंदर रखो जल्दी। I'm back. वो तो दिख रहा है। तुमने सही कहा था, पापा मुझे आज लेने आए थे। ओह, कहा था ना मैंने, चलो। सोहन, इसके अंदर क्या मेरे लिए वेडिंग रिंग लेकर आई हो? हाँ, सोचा था ले आऊं, पर याद आया कि पापा रिंग को देखकर अपसेट हो जाएंगे। आज तो ये बिल्कुल भी नहीं सोई हैं। ट्री डेकोरेट करने के लिए इतनी एक्साइटेड हैं। हाय आंटी, ये देखिए मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। थैंक यू। थोड़ी थकी हुई है, मेडिसिन भी नहीं ली अब तक। सुबह से ना जाने किन लोगों का नाम ले रही हैं। मॉम, क्या कह रही थी? मैं नहीं जानती, पर मैंने लिख रखे हैं। नहीं, रहने तो जरूरत नहीं। हाँ, फर्दिनांड सोल्डा। वो ऐसे ही कह रहे होंगे। मुझे अपने घर जाना है सीज़र। देखिए सोहन, आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाई है। तुम्हें यहाँ पर मॉम की देखभाल करने के लिए रखा है, और इन्होंने सुबह से अभी तक दवाई नहीं खाई है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है मिस्टर सीज़र। ठीक है। बहुत प्यारा है। मुझे लग ही रहा था आपको पसंद आएगा। मुझे बहुत पसंद आया। हाँ बुलंद। हाँ बोलो सीजा। वीडियो तुमने बनाई है या फिर किसी नौकर को इस काम पर लगाया था? सवाल ये नहीं है बुलंद, मैं बस तुम्हें एक बड़ी प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम हमें फॉलो करना बंद करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ड्रामा करना बंद करो और सच बताओ कि क्या चल रहा है। अब बोलो जल्दी। जिस दिन से अंतालिया वाला प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ वो लोग मुझे कंटिन्यूसली परेशान कर रहे हैं। परसों जब चाहिदे वॉक पर गई थी तभी इन लोगों ने उसे भी धमकाया। अच्छा, तो वो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करती? मैंने भी उससे यही कहा, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। पता नहीं उन्होंने चाहिदे को क्या कहकर डराया है जो वो पुलिस के पास नहीं जा रही। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम्हें मनाओ और अपनी माँ को समझाओ ताकि वो डिसीजन कैंसिल कर दिया जाए। उन लोगों ने कुछ ही दिनों का समय दिया है। तुम्हारा मतलब है कि तहसीन कोलोदाग इस बारे में कुछ नहीं जानता? बिल्कुल नहीं। वो नहीं जानते चाहिदे के साथ ये सब हुआ है। चाहिदे ने मुझे बताने से मना किया है, पर हमें कुछ तो करना होगा वरना ये लोग सुहान के साथ भी कुछ बुरा करने की सोच सकते हैं। खाना तो काफी अच्छा बनाया है आपने। पहले टेस्ट तो कर लो फिर बताना। खाना तो बहुत मजेदार बना है। मिस्टर दासन प्लीज,
खाना वाकई बहुत मजेदार है। आप ऐसा खाना रोज बनाएंगी ना? हाँ, अगर किसी को कोई एतराज ना हो तो जरूर बनाऊंगी। ओह क्या बात है, मजे है ना सुहान? ये मिसेस अदालत के नाम। ये जाम हमारी हैप्पी फैमिली के नाम। हेलो अंकल चेतन, हमें उन लोगों के अगेंस्ट प्रिकॉशन लेना होगा। बुलंत ने जो कहा है मैं उसे हल्के में नहीं ले सकता। नहीं नहीं, बिजनेस वाला प्लान कैंसिल नहीं होगा, बस हमें ध्यान रखना है कि कोई खतरा ना हो। ठीक है। 3 दिन बाद। हाँ मैं शाम को आ जाऊंगा, यू टेक केयर। हाँ तुम यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। बाय। आई एम सॉरी, सुहान का कॉल था, उसने कहा कि वो आज नहीं आ सकेगी, वो चायदे के साथ निशान तसी जा रही है। सली उनके साथ जा रहा है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं। सली तो सुबह से यहीं था, तुम्हें उसे कोई काम था? अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो फिर केमाल को उनके साथ भेज देते। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना, उन्हें जरूरत होगी तो वो खुद बोल देंगी, और वैसे भी चायदे की कंडीशन तो सब जानते ही हैं, ऊपर से वो उस छोटे से घर में अनकंफर्टेबल होंगी। खैर छोड़ो, वैसे आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि ये कंपनी पब्लिक के लिए खोलना सबसे डिफिकल्ट डिसीजन था। एग्जैक्टली, हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को दिखाना होगा कि हम फाइनेंशियली उनसे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए हमारी स्ट्रेटजी मैं एक एक पॉइंट करके फिर बताऊंगा। निकलो तो सबसे पहले हम, वरना मैं तुमको जेल में डलवा दूंगा। तुमने हमें बिजनेस में चीट किया है। हम ऐसे बिजनेस नहीं करते, निकल जाओ यहाँ से। क्यों चिल्ला रहे हो? ये तुम्हारी ही गलती है, तुम एक नंबर के फ्रॉड हो। कुछ बताओगे क्या हो रहा है? देख लो, ये मुसीबत तुम्हारी वजह से हुई है। हम पहले से ही जानते थे तुम डील कैंसिल कर दोगे, तुम्हारे आदमी ने खुद हमें मेल भेजकर वार्न किया था। देखो सीजर आलमदार ने हमें मेल भेजा था, खुद देखो इसमें क्या लिखा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सा मेल? एक्टिंग मत करो, ये तुमने ही भेजा है। जानते हो फेक मेल भेजना क्राइम है, हम तुम्हारी रिपोर्ट कर सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये फेक अकाउंट है। हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, कभी हमें इस तरह का नीचा नहीं दिखाया गया। तुम्हें हिसाब चुकता करना पड़ेगा कोरलुदाग। हाँ जो करना है कर लेना, बड़ा आया धमकी देने वाला। चल निकल ले यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मेरी नजरों से दूर करो। बाहर निकालो, फिर से यहाँ नजर मत आना, समझे? चलिए चलिए। महमद ये आदमी शहर में दोबारा मुझे नजर नहीं आना चाहिए। तो मिस्टर तासीन हमें इसके साथ करना क्या चाहिए? हाँ जवाब दीजिए मिस्टर तासीन, कमिश्नर आपके इंस्ट्रक्शंस के बिना तो कुछ करेंगे नहीं। तो क्या हम उसके खिलाफ आपकी कंप्लेंट फाइल कर लें? कुछ भी करो, भगाओ इसे यहां से। मेरी बात सुनिए, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की है, अगर मुझ पर इल्जाम लगाए तो इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए, ठीक है ना मिस्टर तासीन? अब तो मिस्टर चेतिन भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो मैं हायर अथॉरिटीज से कंप्लेंट भी तो कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से यह सही। आप क्या कहते हैं? ठीक है, जो करना है करो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो ठीक है, अब तो यही होगा। एक मिनट, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इस कंपनी का क्या होगा? एक छोटी सी गलती से कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। ये कंपनी के बारे में सोचता ही कहाँ है, इसका इंटेंशन ही कुछ अलग है। पापा प्लीज शांत हो जाइए आप। जब से ये यहाँ आया है मेरी फैमिली के पीछे पड़ गया है ये। कम कीमत पर मेरी जमीन खरीद ली, मेरी कंपनी में पार्टनर बनकर बैठ गया ये, और अब इन आदमियों की मदद से मुझे डराना चाहता है। चाहते क्या हो आखिर तुम? तुम लोग यहां खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर अपना काम करो। महमद तुम रुको, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, इसके इंटेंशंस बहुत गलत हैं।
हेलो मिथत। हाँ कहिए। कुछ भी करो कल उस आदमी से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो? हाँ, अगर ये वही इंसान है तो फौरन इसका मुंह बंद करवाओ। ठीक है, करवाता हूँ। बाद में बात करता हूँ। अगर पापा ने जो कहा वो सच है और तुम वाकई मेरी फैमिली को बर्बाद करने आए हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद तो ठीक है। अगर तुम्हें शक है मुझ पर तो जाओ जाके कंप्लेंट कर दो ना, वरना ये बिजनेस ऐसे नहीं चल सकता। हाँ, सीजर बिल्कुल सही कह रहा है। अगर तुम्हें इस पर शक है तो फिर कोई प्रूफ दो ना। हद हो गई। जाओ कंप्लेंट करो। क्या हुआ? वो तुम्हें पैसे ऑफर करने के लिए कल कॉल करेंगे, लेकिन ये उनकी चाल है तो इसलिए संभल कर रहना, ठीक है? वो तुम्हें मारने के लिए सीजर नाम के आदमी को भेजेंगे। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ लोग मेरी जान लेना चाहते हैं और वहां मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा है। पैसे नहीं मिले तो वो मुझे मार डालेगा। अब तुम्हें प्लान मालूम है ना? परेशान मत हो, अब तुम उनसे एक कदम आगे हो, समझे? दुरान, कल जब वो आदमी आएगा तो छोड़ना मत। तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और वो डर भी जाएंगे। हाँ, इस बेवकूफी की कीमत उन्हें अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। उन्हें उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। वो मुझसे बच नहीं पाएंगे। हमसे, हम दोनों से। हाँ। देखो मुझ पर सूट कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल सूट कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये तुम्हें फिट नहीं आएगा। क्या कह रहे हो, मैं ऑलरेडी वेट गेन कर चुकी हूँ तभी ये फिट आ रहा है। सुहान मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, कुरहान मजाक कर रहा है। देखा सुहान आंटी तुमसे कितना प्यार करती है ना। वैसे तुम क्या कर रही हो? इस साल मैं किसी भी क्लाइंट को गिफ्ट नहीं भेजूंगी, बल्कि उनके नाम पर एक ट्री प्लांट करवा दूंगी। क्या बात है। सीजर का एक फॉरेस्ट है जो उसकी फैमिली के नाम पर है, मैं कल जाकर उससे बात कर लूंगी। अरे वाह, तुम और सीजर तो पार्टनर्स की तरह बिहेव करने लगे हो। ट्रीज प्लांट कराने के लिए तुम्हें सीजर का ही फॉरेस्ट मिला था, क्या बात है। वो सब छोड़ो और अगर चाहो तो अपनी कस्टमर्स की लिस्ट मुझे भेज सकते हो। करहान, ये क्या कर रहे हो? बोलिए मिस्टर मिथात। तुमसे कुछ बात करनी थी। कल रात से सोच सोच कर परेशान हूँ। जब तक तुम्हें बताऊँ नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ कहिए। हसन के सभी फ्रेंड से मिल रहे हो ना तुम? मैं कहना चाहता था कि तहसीन कोल्लूदा के पास मत जाना। क्यों? मैं तो वहाँ जाने वाला था। हाँ तो मत जाना। और हसन का बेटा जिंदा है ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, पर ये चैप्टर अब बंद हो चुका है तो इसे बंद ही रहने दो। उसके बेटे को तहसीन से मिलने मत देना। तो फिर मैं आपसे कल ही आकर मिलूंगा, आप मुझे सब कुछ बता दीजिएगा। नहीं तुम मत आना। अब भला तुम्हारा यहाँ क्या काम? मैंने कसम खाई है मैं कुछ नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, अगर मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, पर उसके बेटे से बात कर लीजिए, क्योंकि उसके लिए सच जानना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, कल सुबह उसे मेरे पास लेकर आ जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मिथात। खुश रहो। बड़ी अच्छी एक्टिंग सीख ली है तुमने, सफाई सोल्लू बना दिया है। अच्छा, यानी वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। अब हमें एक विटनेस तो जरूर मिल ही जाएगा, है ना?
ठीक है डोंट वरी, मैं आपको पहले पिक कर लूंगा, आप बस जल्दी से रेडी हो जाइए। हाँ ठीक है। चाय दे, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना, बाय। सुहान और कितना टाइम लगेगा? हाँ बस अभी आई। कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं छुपी हुई हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। किसका फोन है? ऑफिस से किसी का कॉल आ रहा है, मैं उठा लूँ क्या? नहीं नहीं मैं बस आ ही रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस सुहान। गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हें वहाँ का फोन नंबर मिल गया? नहीं मैम, मैंने पता लगाया पर वहाँ अलंदार नाम का कोई फॉरेस्ट नहीं है। क्या कहा? पर तुमने तो चेक किया था ना? हाँ चेक किया था, पर उसका नाम कुछ और ही है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है थैंक यू। कोई प्रॉब्लम है क्या सुहान? नहीं मुझे बस गेस्ट्स के लिए कुछ ट्रीज प्लांट करने थे, बस उसी के लिए सीजर के फॉरेस्ट जा रही हूँ, आकर बात करते। कोई बात नहीं है सुहान, ठीक है जल्दी आ जाऊंगी, बाय बाय। ठीक है अपना ख्याल रखना। हेलो सुहान, हेलो, मुझे फौरन कॉल बैक करो। सुहान उसका फोन नहीं मिला तो मैंने वॉइस मेल छोड़ दिया है। अंतालिया गई है क्या? देखिए रिफात, नेगेटिव चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से गाड़ी में बैठिए ना। सुहान, सुहान तुम अपना फोन भूल गई। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, अच्छा हुआ याद दिला दिया। हेलो, वो नीचे आ रही है। एक्सक्यूज सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। जुबैदा जी थैंक यू सो मच, ये रखा। थैंक यू वेरी मच। तुम उस तरफ जाओ और तुम दोनों पीछे की तरफ, और तुम दोनों उस तरफ का एरिया कवर करो, और तुम वहां पर अच्छी तरह ध्यान देना। एक बात और ध्यान से सुनो, देखो अपनी अपनी आंखें चौकन्नी रखना, उसे कोई भी चालाकी मत करने देना, समझ गए? अपनी पोजीशंस ले लो। एक्सक्यूज मी, हाय, ये मेमोरियल फॉरेस्ट आलमदार फैमिली के नाम पर है ना? जी क्या ये आलमदार फैमिली का है ना? नहीं ये फॉरेस्ट तो गवर्नमेंट का है। ये तो आलमदार फैमिली के नाम पर है। नहीं मैं यहाँ
पहले भी आई हूँ, यहाँ एक बोर्ड था जिस पर अलमदार फैमिली का नाम लिखा था। नहीं, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं यहाँ पे 20 सालों से काम कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। सकता है ये तुम्हें मिस्टर मिथात के पास जाने से रोकने की चाल हो। आपका मतलब वो बेवकूफ बना रही है? उसने तुम्हें मैसेज किया और फिर गायब हो गई। शायद तहसीन को पता चल गया है और उसने ये करवाया है। ठीक है, तो मैं खुद वहां जाऊंगा और खुद सब कुछ देखूंगा। पुलिस को कॉल करो, नहीं तो उसके पापा या भाई से बात कर लो। हमें इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम इतनी दूर जो आए हैं। उस आदमी ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया था। नहीं, मैं भी चलूंगा। प्लीज, हम दोनों का टाइम वेस्ट मत कीजिए। सीजर, अपने पापा से ज्यादा सुहान को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने कहा। पता लगाओ सीजर उसका बेटा है या नहीं। वो 15 मिनट में यहाँ होंगे। मैं हर हाल में ये किस्सा यहीं खत्म करना चाहता हूँ। खत्म कर दो उसे। निशाना एकदम सही जगह लगना चाहिए।